है, कैसे तुम्हें? ठीक है। आज शिक्षा विभाग से एक ऑफिसर आया था लोन के लिए, मैंने उसकी लोन पास कर दी। वो अंतरा के एडमिशन के लिए हमें मदद करेगा। हाँ, थोड़ा बहुत डोनेशन देना पड़ेगा। दे दें? जब मैं टीचर थी तो सबको ईमानदारी का पाठ पढ़ाती थी, गलत बातों का विरोध करती थी, और आज आज मेरे ही घर में ये सब हो रहा है। पिछले कई सालों से हम लोग सच्चाई और ईमानदारी की लड़ाई तो लड़ रहे हैं, क्या हासिल हुआ? मिसेस विद्या वर्मा, आप शायद भूल रही हैं कि आप तो इस स्कूल में अब टीचर भी नहीं है। मैं अपने बारे में आपसे बेहतर जानती हूँ सर। मैं यहाँ अपनी बेटी को उसका हक दिलाने आई। 6 साल हमने अपनी बेटी को इस लायक बनाने में लगाए कि वो इस स्कूल में बाकी बच्चों की तरह पढ़ सके, उनकी तरह चीजों को समझ सके। आज वो अपनी काबिलियत के बल पे लोगों के बीच गाना गाने का हौसला रखती है। और आपका स्कूल, आप कहना क्या चाहती हैं? आपको अंतरा को वापस एडमिशन देना होगा। मैं जितनी मदद कर सकता था मैंने की, पर अब नहीं। That clear to you? अब जा सकती हैं। जब तक आप मेरी बेटी का वापस एडमिशन नहीं करेंगे मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। मैं बाहर रहकर आपके फैसले का इंतजार कर रही हूँ। अरे मैडम, ये क्या कर रहे हैं आप? आप यहाँ पर गेट के सामने नहीं बैठ सकते हैं। क्यों? ये पब्लिक प्लेस है, स्कूल की प्रॉपर्टी नहीं है। मैम देखिए, मैं आपसे क्या करेंगे आप? कीजिए ना, मैं भी देखती हूँ क्या कर सकते हैं आप। आदित्य वर्मा, आप अभी और इसी वक्त यहाँ आइए और देखिए कि आपकी वाइफ ने सत्याग्रह के नाम पे क्या तमाशा मचा के रखा है। मैं बस आ रहा हूँ, मैं विद्या को समझाऊंगा, वो मेरी बात नहीं टालेगी, आप चिंता मत कीजिए, मैं बस अभी निकल रहा हूँ यहाँ से। आंटी, पानी? नहीं बिल्कुल, जब तक मेरी बात नहीं मान ली जाती मैं पानी की एक बूंद भी नहीं पीऊंगी। विद्या, ये सब क्या है? सत्याग्रह। जिद मत करो विद्या, तुम जानती हो कि अंतरा के एडमिशन के लिए मैं दूसरे स्कूलों में कोशिश कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं उसे एडमिशन मिल जाएगा। छोड़ो ना ये स्कूल को। अंतरा को अब इसी स्कूल में एडमिशन मिलेगा। हम इस समय खड़े हैं होली क्रॉस हाई स्कूल के गेट पर, और यहाँ पे चल रहा है एक सत्याग्रह आंदोलन। अब ये महिला इस अनशन पर क्यों बैठी हुई है ये हम आपको बताएंगे थोड़ी देर में। मैडम, आपको कुछ कहना है? मैं बताता हूँ, विद्या आंटी अंतरा के एडमिशन के लिए सत्याग्रह आंदोलन कर रही है। अंतरा को स्कूल से निकाल दिया गया इसलिए। तो ये जंग है एक माँ की अपनी बेटी की भविष्य के लिए। जिस बच्चे के स्कूल से निकाल दिया गया है वो है अंतरा वर्मा। अंतरा ऑटिस्टिक है। आपको कुछ कहना है इस बारे में? मेरी बेटी को एडमिशन मिल जाए बस मेरे लिए यही काफी। देखिए, गलती हमेशा इंसान से ही होती है। पहले हमें ये लगता था कि अंतरा नॉर्मल बच्चों के साथ नहीं पढ़ पाएगी, लेकिन हमारी सोच गलत थी। मिसेस विद्या वर्मा के सत्याग्रह ने हमारी आंखें खोल दी हैं। हम इस संघर्ष में मिसेस वर्मा के साथ हैं। और ये रहा अंतरा का रीएडमिशन लेटर जो मैं अभी उन्हें देने जा रहा हूं। मिसेस वर्मा, ये रहा अंतरा का रीएडमिशन लेटर, वो कल से स्कूल आ सकती है। सर, मुझे भी सस्पेंड हुए बहुत दिन हो गए, अब मुझे भी स्कूल में ले लो ना। ठीक है, कल से तुम भी स्कूल आ सकते हो, लेकिन शरारत मत करना। थैंक यू सर, ऑल द बेस्ट।